नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के बीच कानपुर में बवाल। बेगमगंज इलाके में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उग्र हुई भीड़। दोनों समुदाय हुए आमने सामने, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, करीब 20 लोग हिरासत में। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर घाटी से फिर शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन। वेब दुनिया से बोले कश्मीरी पंडित, आज 1990 से ज्यादा घाटी के खौफनाक हालत, परिवार के साथ पलायन को मजबूर। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। एलजी मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डाभोल, सेना प्रमुख मनोज पांडे और राज्य के उच्च अधिकारी भी हुए शामिल। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बोले अरविंद केजरीवाल, दोषियों को मिलेगी जरूरी सजा, कानून व्यवस्था पर सियासत को बताया गलत। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को भेजा नया समन, अब 13 जून को पूछताछ का नोटिस, 8 जून को सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कविता पाटीदार और सुमित्रा बाल्मीकि भाजपा से और कांग्रेस से विवेक तन्खा हुए निर्वाचित। उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी का संबोधन, कहा हर क्षेत्र में अव्वल उत्तर प्रदेश, उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए खोला खजाना, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और पूछा कि अब सरकार को दुष्प्रचार के बजाय यह बताना चाहिए कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने तथा हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड जीत, कांग्रेस की निर्मला घाटोड़ी को 55,000 से अधिक मतों से किया पराजित। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जांचकर्ताओं को बताया कि कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड समेत उनके गिरोह के सदस्यों ने साजिश रचकर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। परीक्षा में 10.98 लाख उम्मीदवारों में से 86.60% विद्यार्थी पास, लड़कियों ने मारी बाजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधि व्यापक जनहित में, शीर्ष अदालत ने निर्माण कार्य का विरोध करने वाली याचिकाओं को किया खारिज। केरल की उमा थॉमस ने त्रिकाकारा उपचुनाव में 25,016 मतों से जीत हासिल की। उमा ने कहा कि मेरी जीत मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी सरकार को जवाब है, यह जीत मैं अपने दिवंगत पति पीटी थॉमस को समर्पित कर रही हूँ। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, उन्हें यहीं रहना चाहिए। हम पिछले 30 वर्षों से उनकी वापसी के बारे में बातें कर रहे हैं, अब जब वे वापस आ गए हैं तो उन्हें शांति और सम्मान के साथ हमारे साथ रहना चाहिए। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूँ कि हर नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि यह जातीय जनगणना नहीं, जातीय गणना है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने इस पर मुहर लगाई है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 49 अंक टूटकर 55,769 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 44 अंक गिरावट के साथ 16,584 अंक पर हुआ बंद। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज हुई रिलीज, पृथ्वीराज के रोल में मिसफिट लगे अक्षय कुमार, राइटिंग और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में फिल्म रही एवरेज, दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाती फिल्म, वेब दुनिया ने दिए 2.5 स्टार। शाहरुख खान को लेकर जवान फिल्म अनाउंस, एटली है फिल्म के डायरेक्टर। यह एक्शन मूवी 2 जून 2023 को 5 भाषाओं में होगी रिलीज। ये फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।